नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। एक साथ मिली दो युवकों की लाश, घर से टॉर्च और डंडा लेकर मछली मारने निकले थे, दूसरे दिन खून से लथपथ मिला शव। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दो युवकों की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। दोनों युवक घर से गुरुवार की शाम को टॉर्च और डंडा लेकर मछली मारने के लिए निकले थे। इसके बाद दोनों घर नहीं पहुंचे, दूसरे दिन उनकी लाश खून से लथपथ मिली। पुलिस इस केस की जांच कर रही है। मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही इसका खुलासा हो सकेगा। बसंतपुर गांव से लोग शुक्रवार की सुबह टहलने के लिए निकले थे। मोगरा माला खार में दोनों का शव एक ही जगह पर पड़ा मिला। दोनों की पहचान गांव के ही राजेश यादव 40 वर्ष, लखन कैवर्त्य 45 वर्ष के रूप में की। फिर इस घटना की जानकारी उनके परिजनों के साथ ही पुलिस को दी गई। जांच के दौरान पता चला कि एक मृतक के चेहरे से खून निकला हुआ था और दूसरे का शव जला हुआ और कान से खून निकला था। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि गुरुवार करीब 7 बजे राजेश और लखन टॉर्च और डंडा लेकर घर से निकले थे। परिजन रात में उनके आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों नहीं पहुंचे। इससे परेशान परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। देर रात तक उनकी तलाश की गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों के पैर में जलने के निशान मिले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बिजली कट लगने से उनकी मौत हुई होगी। जिस जगह पर लाश पड़ी थी, वहां से कुछ दूर खेत में गांव के ही चिंताराम, उसके पिता जेठूराम कैवर्त्य ने बाड़ी में कट लगा दिया था, ताकि वहां जानवर न आ सके। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस उन्हें पकड़कर पूछताछ कर रही है। पचपेड़ी TI विवेक तिवारी का कहना है कि दोनों मृतकों के शव को देखकर आकाशीय बिजली के चपेट में आने से मौत होने की संभावना है। हालांकि अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है। बिजली कट से भी मौत होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।